अगर आप सिंपल 12वीं पास कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है, तो आप यहाँ पर हेड कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पर कुछ अदर वैकेंसी भी दी गई है, ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे, वो सीआरपीएफ की ओर से बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि सीआरपीएफ की ओर से यहाँ पर नई वैकेंसी निकाली गई है। इस भर्ती में अगर आप सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट है तो भी आप भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी सिंपल 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, यानी कि महिला और पुरुष कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर मौका दिया गया है। और जो आपको वैकेंसी दी गई है, हेड कांस्टेबल प्लस आपको यहाँ पर कुछ अदर वैकेंसी भी दी गई है। कैसे आपको यहाँ पर इस भर्ती में जाना हो, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, कितने यहाँ पर आपके हाइट होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, सभी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। तो हो सके तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। अप्लाई मोड जो होगा, ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर केवल इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। हो गए ना अप्लाई, तो भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर पाएंगे। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जो आप करेंगे, ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप के लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। और अगर हम इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपका काम मन है तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। जो इस भर्ती का रिक्रूटमेंट और नेम रहेगा, वो सीआरपीएफ की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुई, यानी कि सीआरपीएफ की ओर से यहाँ पर भर्ती चलने वाली है। आपको जहाँ पर वैकेंसी दी गई है, जनरल ड्यूटी यानी कांस्टेबल के लिए होगी। हेड कांस्टेबल और ट्रेडमैन की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, यानी सिंपल 8वीं 10वीं पास कैंडिडेट भी यहाँ पर इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, इस भर्ती का फिजिकल टेस्ट होगा, यानी कि जो आपके यहाँ पर हाइट रहेगी, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड की गई है। मेल कैंडिडेट का जो हाइट रहेगी 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट इस जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है, तो भी आप इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। जो आपके यहाँ पर चेस्ट होना चाहिए केवल मेल कैंडिडेट के लिए, वो 80+5 सेंटीमीटर का फ्लॉप भी होना अनिवार्य है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम जरूर बता कर जाना। जो आपके यहाँ पर रनिंग टेस्ट होगा, यानी जो आपको दौड़ लगानी होगी, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड की गई है। मेल कैंडिडेट की जो जानकारी होगी आपको यहाँ पर चेक करनी होगी, फीमेल कैंडिडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन की गई है। 100 मीटर दौड़ के लिए आपको 16 सेकंड का समय दिया जाएगा मेल कैंडिडेट के लिए, और 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर के लिए आपको यहाँ पर 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा। इसी प्रकार से फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर के लिए 18 सेकंड का समय मिलेगा, और 800 मीटर के लिए 4 मिनट का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने सिंपल 10वीं 12वीं पास किया हुआ है, तो भी आप इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। वो आपने किसी भी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट के कंप्लीट किया है, वो यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। यानी सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले आपको यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, यानी कि लिखित परीक्षा होगी, फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 18,000 रुपये से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल लेगा, यानी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी भी दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, यूआर जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये पर कैंडिडेट आपको यहाँ पे करना होगा, एससी एसटी फीमेल के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं होगी, ये सभी कैंडिडेट बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं। और आपको जो फीस पे करनी होगी, ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर अपनी फीस पे करनी होगी। अगर हम इस भर्ती के एज लिमिट के बारे में बात करें, अगर आपके 18 ईयर से लेकर 25 ईयर के बीच में अगर आपके एज है, तो आप इस भर्ती के लिए भाग ले सकते हैं। ओबीसी वालों के लिए 18 ईयर से लेकर 28 ईयर, एससीएसटी कैंडिडेट के लिए 18 ईयर से लेकर 30 ईयर के बीच में अगर आपके एज है, तो भी आप इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। जो एज काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2022 तक की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी को आपकी जितने 18 से कम हो या 25 से ज़्यादा हो, यानी कि जो आपको यहाँ पर एज में छूट दी गई है, एससीएसटी वालों को 5 ईयर की दी गई है, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 ईयर छूट भी आपको दी गई है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती फिजिकल डिटेल मैं पहले ही बता चुका हूँ, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ पर सभी जानकारी
ले पाएंगे। अगर आप इस भर्ती की हिंदी में जानकारी लेना चाहते हैं आपको यहाँ पर क्लिक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी प्रोवाइड की गई है। ऑनलाइन मोड से आवेदन करने के लिए आपके पास इन डॉक्यूमेंट की जीरोक्स प्लस इनकी जानकारी होना अनिवार्य है। फोटो सिग्नेचर, एजुकेशन डिटेल, डोमिसाइल कार्ड सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इन्हें कोई और आईडी भी दे सकते हैं, उससे इस भर्ती का आवेदन फिल कर पाएंगे। इस भर्ती का आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। इस भर्ती का शॉर्ट नोटिस का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, फुल नोटिफिकेशन का लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। जैसे आप यहाँ पर शॉर्ट न्यूज कटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का न्यूज कटिंग आ जाएगा। आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे सीआरपीएफ में 21,000 जवानों की भर्ती, आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे जो आपको टोटल वैकेंसी दी जाएगी 21,566 वैकेंसी टोटल आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। सभी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है और सभी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अभी तक यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट नहीं हुए हैं, जैसे ही होंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूँ किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा और जो इस भर्ती की इंपॉर्टेंट डेट होगी उसकी जानकारी आपको आपको इसी वेबसाइट मेंशन की गई, यानी कब से कब तक आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे उसकी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।